नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम। पिछले प्रोग्राम में हमने दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के सीईओ से बातचीत की थी और हमने कहा था कि हम इनकी कंपनी में विज़िट करेंगे, कोई जाए या ना जाए हम ज़रूर जाएंगे और हम वहां जाकर उनकी फैसिलिटीज़, उनके प्लांट और उनकी दीगर चीज़ों का जायज़ा लेंगे और आपके सामने अपना तज़िया पेश करेंगे। हमारे साथ स्टॉक एक्सचेंज के एक मेंबर जनाब मुनीर खनानी भी गए और हमें ज्वाइन किया चंद अच्छे इन्वेस्टर्स ने जो इस तरह के मामलात में काफ़ी दस्तरत, सबकत और महारत रखते हैं। इन इन्वेस्टर्स ने वहाँ की चीज़ों का बग़ौर जायज़ा लिया। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे फैसल हुसैन का कि जिन्होंने बहुत क्वालिटी टाइम दिया, अपनी फैसिलिटीज़ को बहुत ही ओपननेस के साथ दिखाया और उसके बाद जो है हमारे लोगों ने उनसे बड़े स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस किए। सो इन सवालात का जायज़ा भी हम आज के प्रोग्राम में पेश करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम नाज़रीन आपको ये बताएंगे कि घर बैठे आप शेयर्स को किस तरीके से आईपीओ के ज़रिए सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसके लिए हमें मदद हासिल रही फारूक भट्ट साहब की, जिनका ताल्लुक सीडीसी से है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन हम बातचीत करेंगे ओएमसी सेक्टर पर, जिसकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी सवालिया निशान उठ रहे हैं और बिल्कुल ही आखिर में हम तذکرہ करेंगे स्टेट बैंक के रीसेंट स्टेप का जिसने अभी बता रहा था कि जब हमने वहाँ पर विज़िट स्टार्ट किया तो सबसे पहले जो हमारे मेंबर हैं मुनीर खनानी साहब, उन्होंने वहाँ उतरते ही जो पहला सवाल फैसल साहब से किया वो ज़मीन से मुतालिक था। देखिए, दो बातें हमें कही गई थी। एक बात तो यूजुअली बाज़ार में लोग कह रहे थे कि जो इनकी जगह है वो 2 से 3 एकड़ से ज़्यादा की नहीं है, तो हम इस बात की इम्पार्शल होते हुए गवाही देना चाहेंगे कि वो जगह जो है वो 9-10 एकड़ के आसपास है। वो जगह इतनी कम नहीं है जितनी बाज़ार में लोग उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो मुनीर खनानी साहब ने स्ट्रेट अवे फैसल से किया वो सवाल ये था कि इस ज़मीन के जो कागजात हैं और इस ज़मीन की जो मिल्कियत है उसमें मसाइल हैं, कागजात और जो पेपर्स हैं और जो यानी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसे प्रॉपरली रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहे, तो उस पर भी फैसल हुसैन ने बताया कि इसके शवाहिद भी मौजूद हैं और ये किताबों में भी बहुत ठीक तरीके से रिफ़्लेक्ट हो रही है और इस सिलसिले में अगर किसी भी जानिब से कोई एतराज़ आता है तो फैसल ने हमें कहा कि वो इसका लीगली प्रॉपर जवाब देने की पोजीशन में हैं, बिकॉज़ उनके पास बुक्स भी क्लियर हैं और जो रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं, टैक्सेस हैं और जो भी हुकूमती चालान्स वगैरह हैं वो सारे के सारे पेड हैं।
इसके बाद मुनीर खनानी साहब ने कहा कि भाई देखें, ब्रोकर एसोसिएशन जो है इस सिलसिले में अपने तहफ़ुज़ात का इजहार कर रही है। उसका ख़्याल ये है कि इसमें कम से कम एक दर्जन से ज़ायद इश्यूज़ हैं जिनको देखा जाना चाहिए। उसके बाद वो लेटर हमें मौसूल हुआ जिसमें कोई 13-14 के करीब एतराज़ात हैं। नाज़रीन, बोनस के शेयर्स से लेकर सेल्स के नंबर्स तक और पेड अप कैपिटल तक तमाम बातों के ऊपर ब्रोकर एसोसिएशन ने सवालात उठाए हैं। ब्रोकर एसोसिएशन सबसे पहले ये कहती है कि ये जो एक डायरेक्टर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, जिनका मैं पूरा नाम नहीं लेता, उनका लास्ट नेम पंचवानी है, उनको जो 1% उनकी जो मिल्कियत है उसके ऊपर जो बोनस के शेयर दिए गए वो बुक्स में लिखा हुआ नहीं है। दूसरी चीज़ उनके बारे में ये बताई गई कि अजीब इत्तफाक है कि 2018 में उनको जो शेयर्स दिए गए वो 18 रुपए के हिसाब से दिए गए और आज भी जो आप शेयर्स बुक बिल्डिंग के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं वो 18 रुपए की मालियत पे कर रहे हैं। दूसरा एतराज़ जो उठाया गया वो पेड अप कैपिटल से मुतालिक था। उसमें कहा गया कि देखें भाई, 2015 से 2018 तक आप 1 मिलियन का ही पेड अप कैपिटल रखते हैं और फ़कत लिस्टिंग से पहले आप इस पेड अप कैपिटल को 100 मिलियन कर देते हैं और उसके लिए भी नंबर्स के ऊपर सीधे सीधे एतराज़ात उठाए गए। सो ये 14-15 चीज़ें हैं जिनको ब्रोकर्स ने लिखा है टू द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और उन्होंने कहा है कि ये जो रविश है कि आप डिस्क्लेमर के बल पर हर चीज़ को छोड़ दें, यानी प्रॉस्पेक्टस को आप पास कर दें और उसके अंदर बुनियादी फिगर्स की गलतियाँ हों, ये मालूम होता हो कि फजिंग ऑफ द फिगर्स है, ये वाली चीज़ ब्रोकर्स का कहना है, मानना है कि ये वाली चीज़ काबिल कबूल नहीं है। ब्रोकर्स ने कहा कि ये कंपनी हाईली लिवरेज मालूम होती है, 2 बिलियन का दूर दूर तक इसका सेटअप नहीं मालूम होता और ऐसा मालूम होता है कि ये कंपनी बैंक्रप्ट हो सकती है। नाज़रीन, हम इस सिलसिले में कोई पोजीशन नहीं लेना चाहते, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम सच आगे पहुंचाएं। हम तो उनके यहाँ लंच भी करके आए हैं और खाना बड़ा नमकीन था, तो हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि हम किसी भी तरह की पोजीशन लें, लेकिन सच्ची बात यह है कि एक चीज़ मैंने ज़ाती तौर पे अपने 20-22 साल स्टॉक एक्सचेंज के तजर्बे में नोट की है और वो ये है कि कराची और इस्लामाबाद की एक रिफ्ट रही है। कराची स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉयज़ को कहा जाता था कि तुम तनख्वाह हमारी लेते हो, तुम नौकरी रेगुलेटर की नहीं करो, तुम यहाँ की नौकरी करो। अब ब्रोकर्स का असर व रसूख बढ़ गया है, ब्रोकर्स की बातें सुनी जाती हैं, जायज़ बातें भी सुनी जाती हैं। अब ऐसे में देखने में ये आ रहा है कि इन्वेस्टर बेस जहाँ कम हो रहा है वहाँ एक नई सिचुएशन है। एक ब्रोकर कंपनी लेकर आता है, दूसरा रुकवा देता है, दूसरा लेकर आ रहा होता है, पहले ब्रोकर उस कंपनी को रुकवा देता है। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान मैं समझता हूँ कि ब्रोकर कम्युनिटी के साथ साथ इन्वेस्टर कम्युनिटी का भी हो रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी हो रहा है। देखिए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था और आज भी बड़ा वाज़े कह रहा हूँ, अगर आप गूगल पे लिखें इंडेंजर्ड लिस्टिंग डी लिस्टिंग, आपको मुझ समेत कई लोगों की ऑब्जर्वेशन आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें कहा गया है कि डिस्क्लेमर लिखकर जान छुटाई नहीं जा सकती, जिसमें बताया गया है कि जब आप लिस्टिंग के लिए प्राइस ऑटोमेटेड तरीके से हासिल कर सकते हैं तो आपको लिस्टिंग कमेटी की ज़रूरत नहीं है। डी लिस्टिंग कमेटी आपने अभी तक बनाई हुई है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लगता है ये सारा फियास्को, ये सारा ड्रामा शायद इसलिए हो रहा है कि रेगुलेटर को लानतान की जाए और बिल आखिर रेगुलेटर लिस्टिंग कमेटी को दोबारा से बना दे। नाज़रीन, अगले सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे CDC के फारूक साहब से, जो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऑटोमेटेड तरीके से
सीडीसी के शेयर्स को यानी आईपीओ के ज़रिए टीओएमसी के शेयर्स को किस तरीके से सब्सक्राइब कराया जा सकता है। फारूक साहब, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सानी साहब। सर, ये समझाइए कि अक्सर कहा जाता है कि ईआईपीओज में या आईपीओज में जो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस है उसमें प्राइसेस मैनिपुलेट हो जाती हैं। ये जो नया प्रोसेस है जिसको हम ईआईपीओ कहते हैं, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी के कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ तब्दीलियाँ लाई गई हैं? हम प्रोसेस पे तो अभी एक मिनट बाद डिस्कशन करते हैं, मगर व्हाट आर द स्टेप्स विच मेक दिस प्रोसेस ट्रांसपेरेंट? देखिए, जब भी कोई आईपीओ अनाउंस होता है तो उसमें एक पोर्शन तो बुक बिल्डिंग का है। राइट। बुक बिल्डिंग को और जो जनरल पब्लिक के लिए जो सब्सक्रिप्शन का एक अमाउंट होता है, वो दोनों को हम मिक्स नहीं करते। बुक बिल्डिंग इज़ टोटली अ सेपरेट थिंग जिसके अंदर प्राइस डिटरमिनेशन होती है। right. अच्छा, जब प्राइस डिटरमाइन हो जाती है किसी आईपीओ की, तो उसके बाद वो पब्लिक को ऑफर होता है, जनरल पब्लिक को। अच्छा, अब जनरल पब्लिक को जब ऑफर होता है तो ये जो प्रोसेस था ये पहले भी ट्रांसपेरेंट ही था। हाँ, ऑल्दो इसमें होता ये था कि लोग फिज़िकल जो है वो एप्लीकेशंस भरते थे, बैंकों पे जाते थे, बैंकों में जाने के बाद एप्लीकेशंस, उसके साथ पे ऑर्डर या चेक, डिमांड, जो भी पेमेंट का तरीका है वो करते थे, और फिर ये प्रोसेस भी जाता था बैलेटिंग में। ओके। उसके बाद फिर बैलेटिंग होती थी, बैलेटिंग में जिन लोगों के नाम आ जाते थे वो एप्लीकेशन के नीचे एक छोटा सा पोर्शन होता था, वो उस इन्वेस्टर को रिटेन करके रखना होता था, तो एक प्रॉब्लम थी। फिर बैंक उसकी लिस्ट जो है अपने जो है वो दरवाजे पे लगा दिया करता था कि किस किस के जो है वो आईपीओ में नाम आ गए हैं। okay. और फिर लोग जो है उनको फिज़िकल शेयर्स इशू होते थे। अच्छा, जब से सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी आई 1997 के अंदर और शेयर्स जो है वो डीमटेरियलाइज होना शुरू हुए, तो लोगों को ये समझ आया कि फिज़िकल शेयर्स को होल्ड करने से ज़्यादा बेहतर है, और उसके अपने एक नुकसान हैं, चोरी हो जाना, गुम हो जाना, डुप्लीकेट उसके बन जाना। तो लोगों ने इस चीज़ को बड़ा ही जो है वो अच्छे तरीके से अडेप्ट किया, और लोगों ने इसको तमाम शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करा लिया। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो उसमें एक ज़रूरत ये भी नज़र आई कि अभी भी लोग जो है वो फिज़िकल फॉर्म्स भर रहे थे और बैंकों में जा रहे थे, तो सीडीसी ने एक आइडिया प्रपोज़ किया कि ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर लोग डायरेक्टली अपने, अगर उनके सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर अकाउंट्स खोले हुए हैं, चाहे ब्रोकर के पास एज अ सब अकाउंट या डायरेक्टली सीडीसी के पास एज एन इन्वेस्टर अकाउंट, तो वो एप्लीकेशन भरें, और अगर उनकी एप्लीकेशन कामयाब हो जाए तो डायरेक्ट बजाय इसके कि फिज़िकल उनको मिले और फिर वो उसको बुक एंट्री में जो है वो ट्रांसफ़र करें, वो डायरेक्टली उसको जो है डीमैट के अंदर डिजिटल फॉर्म में उनको मिल जाए। अच्छा, इससे फ़ायदा भी ये हुआ कि फिज़िकल पेपर जो डिलीवर होते थे उसमें एडवांटेज पे हम एक सेकंड बात करते हैं। प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा स्टेप वाइज अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि इसमें पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो वो ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें देखें, सीडीसी ने वक्त के साथ काफ़ी सारी सर्विसेज अपनी स्टार्ट की हैं, जिसमें सीडीसी ने एक ई सर्विसेज के नाम से अपनी एक वेबसाइट इंट्रोड्यूस कराई। जो भी चाहता है कि सीडीसी ई सर्विसेज को पे जाके उसका एड्रेस सर्च कर ले, तो गूगल पे सिर्फ ई सर्विसेज, आगे सीडीसी लिखेगा तो वो वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, उस वेबसाइट पे जाने के बाद उसको अपने आप को रजिस्टर कराना है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही आसान रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल और ईमेल एड्रेस, ये 3-4 फील्ड्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करा लेता है। ओके। जब वो रजिस्टर करा लेता है तो उसको जब भी, अब जिस तरह ऑर्गेनिक का मीट का आईपीओ आ रहा है, तो ये आईपीओ सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है वो डिफाइन कर देगी, वो वहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओके। अच्छा, जब वो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसको नज़र आ रहा होगा कि ये एक आईपीओ नया आने वाला है, इसकी ये तारीखें हैं 14 से 17 है या 14 से 16, तो जैसे ही उसके वो दिन स्टार्ट होंगे तो एक तो सुबह 9 बजे तक का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यानी पहले तो मुझे ई सर्विसेज पे अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन नज़र आने लगेगी। बिल्कुल। और फिर मैंने क्या करना है? अच्छा, वो जैसे ही स्टार्ट होता है उसका टाइम, तो इसमें सुबह 9 बजे का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही डेट चेंज होती है 12:01 पे 1 सेकंड पे वो एक्टिवेट हो जाता है। ओके। अच्छा, जब वो उसको सब्सक्राइब करता है
उसमें बटन प्रेस करता है कि मैं इन शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ, तो एक फॉर्म खुल जाएगा उसके पास. अच्छा, उस फॉर्म के अंदर भी हमने लोगों की मद्देनज़र देखते हुए उनकी सहूलत को काफ़ी तीन चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हैं कि क्या आपके पास पहले से कोई इन्वेस्टर अकाउंट है. अगर है तो बता दें. क्या आपके पास कोई सब अकाउंट है, किसी ब्रोकर के पास खुला हुआ है, अगर है तो बता दें. अच्छा, तीसरा एक इन्वेस्टर है जो कि आपका ये प्रोग्राम देखेगा, उसको पता चलेगा कि यहाँ पे जो है, अच्छा आईपीओ में इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, इसका फ़ायदा भी होता है, और कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो एक आसान तरीका भी है. तो ऐसे इन्वेस्टरों को फैसिलिटेट करने के लिए सीडीसी ने कुछ अर्से पहले एक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट. ओके. ऐसे तमाम लोग जिनका कोई अकाउंट नहीं है, वो कभी किसी ब्रोकर के पास नहीं गए, वो कभी सीडीसी नहीं आए, मगर वो आईपीओ में शेयर्स भरना चाहते हैं, वो इस टाइप ऑफ अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे. इसका नाम क्या है? आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट, आईएफए. देखिए नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, आईएफए अकाउंट एग्जैक्टली वही चीज़ है कि किसी ऐसे शख्स को चेक मिल जाए कि जिसका बैंक अकाउंट भी ना हो, तो हम उस बैंक में जाते हैं, अपने चेक को प्रेजेंट करते हैं, पहले हमारा अकाउंट खुलता है, फिर उस अकाउंट में चेक चला जाता है. सो आजकल बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस बड़ा टेडियस है, बड़ा मुश्किल है, बट इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस आईपीओ, तो आपको सिर्फ ई सर्विसेज पे जाना है सीडीसी की, और ये जो अकाउंट आईपीओ फैसिलिटेशन अकाउंट है, इसके ज़रिए आपने शेयर सब्सक्राइब करने हैं, आपका अकाउंट भी खुद ब खुद खुल जाएगा, फर्दर डिटेल्स बताएगा. अच्छा, अब पहला वाला अगर देख लें तो जिसके पास आईएएस अकाउंट था तो उसने अपना अकाउंट नंबर पर्टिकुलर्स प्रोवाइड करने, सिस्टम खुद ब खुद उसकी जो डिटेल्स मौजूद हैं उसके अकाउंट में वो फॉर्म फिल कर देता है. तो फॉर्म फिल करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं नाम डालूं, तमाम चीज़ें कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना अकाउंट नंबर दे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे, सिस्टम वैलिडेट करेगा, फॉर्म ऑटो फिल हो जाता है. तो ये एक जिसके पास अकाउंट है उसके लिए भी एक सहूलत है कि बजाय इसके कि सारी चीज़ें भरे. सही है. अच्छा, इसमें एक ही चीज़ उस इन्वेस्टर को अब सेलेक्ट करनी है कि कितने शेयर सब्सक्राइब करना चाहता है. बस सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन उसको देनी होती है कि 500, 1000, 1500 या मल्टीपल्स. इस एप्लीकेशन को जब वो सेव करता है तो एक सिस्टम एक आईडी जनरेट कर देता है जिसको हम ट्रांजैक्शन आईडी बोलते हैं. अच्छा, इसकी हम थोड़ा सा आगे चल के बता देंगे कि ट्रांजैक्शन आईडी क्या है. एग्जैक्टली जिस तरह इन्वेस्टर अकाउंट ने अपना अकाउंट नंबर दिया, उसके पर्टिकुलर्स भर गए, अगर किसी का सब अकाउंट है तो अपने सब अकाउंट की डिटेल दे दे, उसके पर्टिकुलर्स फिल हो जाएंगे. अच्छा, जिसने आईएफए सेलेक्ट किया था तो उसने भी रजिस्ट्रेशन कराते हुए अपने दो तीन जो डिटेल्स दी थी वो डिटेल्स इस फॉर्म में ऑटो फिल हो जाती हैं. okay. चेंज करना चाहता है तो डेफिनेटली वो चेंज कर सकता है. right. मगर सिस्टम उसको वो ऑटो फिल कर देता है. अच्छा, ऑटो फिल करने के बाद वो सिर्फ हर तीनों किस्म के शख्स जो है वो क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, सबमिट करने के ऊपर उनके पास एक जो है ट्रांजेक्शन आई डी मिल जाती है. ठीक है. अच्छा, ये ट्रांजेक्शन आई डी वो उनको ईमेल पे भी आ जाती है, उनको एसएमएस भी हो जाता है ताकि वो भूले नहीं, वो चाहें तो दोबारा से अपनी ई सर्विसेज पे लॉगिन करके अपनी डिटेल भी देख सकते हैं. तो एक रिकॉर्ड खड़ा हो जाता है कि इस आदमी ने सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन भर ली है. इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि फिजिकल पेपर हो, आप भर लें और भरने के पास अपने पास रख लें. ओके. तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने भर ली है, अभी ये सब्सक्रिप्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ. सब्सक्रिप्शन प्रोसेस उसी वक्त कंप्लीट होता है जब वो एप्लीकेशन बैंक में पैसों के साथ प्रेजेंट की जाए. okay. अच्छा, चूंकि अब तो ये तो डिजिटल है तो इसके अंदर आपके पास वो ट्रांजैक्शन आईडी है. हर वो शख्स जिसके पास इंटरनेट बैंकिंग मौजूद है वो अपने इंटरनेट बैंकिंग के पोर्टल पर लॉग इन करे, और लॉग इन करने के बाद बिल पेमेंट में जाके सी डी सी ई आई पी ओ का ऑप्शन आ रहा होता है. बिल्कुल आता है. वहाँ जैसे ही ये ट्रांजेक्शन आई डी डालेगा तो ये जो एप्लीकेशन के पर्टिकुलर्स हैं इसको वहाँ डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है. सही है. और वो पेमेंट कर दे. इट इज लाइक फाइलिंग योर यूटिलिटी बिल. बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अच्छा, इसमें फायदा ये है कि जैसे वो पेमेंट करता है तो उसका वेबसाइट के ऊपर भी जो है एप्लीकेशन का स्टेटस अपडेट हो जाता है कि पेमेंट हो गई. तो अब एक यूजर को बड़ा ही इत्मीनान हो जाता है, वो दोबारा अपना ई सर्विसेज पे आए, देखे हाँ मेरी पेमेंट हो गई है.
अच्छा, पेमेंट के बाद भी जो आगे बैलेटिंग का प्रोसेस है, जब बैलेटर के पास जाता है तो वो स्टेटस भी अपडेट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आई थिंक क्लैरिफाई करना चाहिए हमें कि अगर किसी के पास इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है या किसी वजह से वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, तो उसके बिहाफ पर ब्रोकर भी ये पैसे जमा करा सकता है। अच्छा, ये एक फैसिलिटी रिसेंटली हमने मास्टर ट्रैक के नाम से जो है ना इंट्रोड्यूस कराई है। उसमें हमने ये किया था कि जिन ऐसे लोग जिनका अकाउंट ब्रोकर्स के पास मौजूद है, वो अपने आप को इस सर्विसेज पे जाएं, ओके, रजिस्टर कर लें। रजिस्टर करने के बाद देखें, बैंक के अंदर आप कभी भी IBFT करते हैं, सही है, तो ऐड बेनिफिशियरी करते हैं, बिल्कुल सही है, सामने वाले को ऐड करते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से भी यहाँ पे ब्रोकर्स की लिस्ट आ रही होगी, right. उस ब्रोकर को ऐड बेनिफिशियरी कर ले, right. कि मेरे बिहाफ पे मैं इसको राइट देता हूँ कि ये एप्लीकेशन बन। Fantastic. ठीक है, तो अब ब्रोकर जो है इस क्लाइंट के बिहाफ पे एप्लीकेशन बन। फारूक साहब, यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का। वक्फे के बाद नाज़रीन हम बातचीत करेंगे कि जस्ट इन केस आपके शेयर्स अगर नहीं लगते हैं IPO में, तो आपको पैसे कितने दिनों में वापस मिलेंगे, इस प्रोसेस से जुड़ी बाकी बातों को और बारीक बीनियों को हम डिस्कस करेंगे। वील कम बैक आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे एप्लीकेशन के प्रोसेस पर। अब इस सेगमेंट में हम गुफ्तगू करेंगे बैलेटिंग एप्लीकेशन का सक्सेसफुल और फेलियर होना, इस सिचुएशन में क्या कुछ होता है और इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सो फारूक साहब, बताइएगा कि बैलेटिंग का प्रोसेस क्या है और फर्दर इसमें आगे क्या होता है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि ज़्यादातर IPOs जो है वो 2 दिन के लिए जो है इशूअर इसको ओपन रखता है कि 2 दिन तक लोग अपनी एप्लीकेशंस को भरते रहें। कुछ कंपनीज 3 दिन का कर देती हैं, डिपेंड करता है इशूअर के ऊपर। अच्छा, वंस ये जब प्रोसेस इसके दिन ख़त्म हो जाते हैं और तमाम लोग अपनी एप्लीकेशंस भर चुके होंगे, इसमें तीनों टाइप के लोग होंगे, एक तो जिनका IAS अकाउंट था या सब अकाउंट था, या जिनका अकाउंट था ही नहीं उन्होंने भी इसमें एप्लीकेशन भरी, और एक चौथे वो लोग हैं जिन्होंने फिज़िकल बैंक में जाके भी एप्लीकेशन भरी। ओके, अच्छा, अब ये तमाम डिटेल्स जो है वो बैंक इसको कंपाइल करता है फिज़िकल वालों के लिए, ओके, कि उनकी एप्लीकेशंस जमा करता है और रजिस्ट्रार को, जो इशूअर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, उसको भिजवाता है। CDC का जो सिस्टम है, चूँकि हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद है और बैंक के पास जो आपने पेमेंट की है इसका रिकॉर्ड भी CDC के पास मेंटेन है, तो CDC अपना पूरा ये डाटा डिजिटली रजिस्ट्रार्स को प्रोवाइड कर देता है। ओके, अच्छा, ज़्यादा देर जो लगती है शायद वो लग भी इसीलिए रही है कि बैंक्स उसको अभी फिज़िकली एप्लीकेशंस बना रहे हैं, लिस्टें बनाते हैं, तो CDC वाला डाटा तो उसके पास आ जाता है एक आध दिन के अंदर, जब बैंक्स उसको तमाम डाटा प्रोवाइड कर देते हैं और RTA की रिकन्सिलेशन कर चुका होता है, तो फिर बैलेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अच्छा, बैलेटिंग का प्रोसेस 1 दिन में ही कम्प्लीट हो जाता है, जिसके अंदर ये अनाउंस हो जाता है, पता चल जाता है कि कितने लोग, अच्छा इसमें भी है कि ओवर सब्सक्राइब हों, अंडर सब्सक्राइब हों, अगर अंडर सब्सक्राइब हैं तो फिर तो सबको ही शेयर्स मिल जाते हैं, ओवर सब्सक्राइब है तो फिर बैलेटिंग में जा रहे होते हैं, अगर ओवर सब्सक्राइब नहीं है तो फिर तो सबको मिल जाएंगे, मगर बैलेटिंग उसी केस में होती है जिसमें ओवर सब्सक्राइब हो जाए कोई शेयर। और अच्छे शेयर्स हमेशा ही, हमने हिस्ट्री देखी है कि जब भी कोई अच्छा शेयर आया है तो वो ओवर सब्सक्राइब ही हुआ है। वंस इसमें बैलेटिंग कंक्लूड हो जाती है तो रजिस्ट्रार जो है वो जिन्होंने हमारी वेबसाइट से एप्लीकेशंस भरी थी वो हमारी वेबसाइट पे ही उनका स्टेटस अपडेट कर देता है, okay. कि आपकी एप्लीकेशन कामयाब हो गई है या आपकी एप्लीकेशन नहीं लगी। जिन लोगों की एप्लीकेशन लग गई है वो इसी वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस देख लेते हैं और नहीं लगी तब भी देख लेते हैं। अच्छा, जिनकी नहीं लगी उनके तो इन्फॉर्मेशन CDC बैंक्स को वापस जो है ना पुश कर देता है कि इन इन लोगों के पैसे जिनकी जो कि कामयाब ना हो सके इस IPO में, आप पैसे रिटर्न कर। कितने दिनों में बता दें ये? देखें, इसका एक प्रोसेस है, NOC आती है PSX से, और प्रोसेस होने के बाद ये 7 से 8 दिनों के अंदर उन लोगों के पैसे रिटर्न हो जाते हैं जिनकी एप्लीकेशन नहीं लगी हुई होती। अच्छा, दूसरी तरफ जहाँ ये बात है कि जिन लोगों की एप्लीकेशन कामयाब हो गई है तो उनका डेटा, चूँकि अब तमाम शेयर्स जो इशू हो रहे हैं वो फिज़िकल इशू अब नहीं हो रहे, सही है? अब तमाम के तमाम जो है वो बुक एंट्री फॉर्म में ही होते हैं,
तो रजिस्ट्रार जो है वो हमारे सिस्टम में इसको क्रेडिट दे देता है। ओके अच्छा, जिन लोगों के अकाउंट्स थे, चाहे वो आईएएस था, ये सब था, उनके तो डायरेक्टली अकाउंट्स में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाते हैं। सही है। अच्छा, जिनके आईएफए थे या जिनका अकाउंट ही नहीं था और उन्होंने कहा था अच्छा मैं भर देता हूँ आईएफए सेलेक्ट करके, उनके शेयर्स भी सीडीसी के पास एक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं और उनको ईमेल्स और अलर्ट्स चले जाते हैं कि आप कामयाब हो गए हैं, बराए मेहरबानी सीडीसी से कॉन्टेक्ट कीजिए। अच्छा, वो लोग आते हैं फिर सीडीसी के पास और उनको ये कहा जाता है कि आप आइए और अब आने के बाद अपना अकाउंट खुलवाइए। देखिए, आज का इन्वेस्टर जो इस मार्केट में है ना, वो कोई काम करने से पहले उसको ये भी परेशानी है कि मैं तो कभी मार्केट गया नहीं। अब आप उसको पहले ही कह देते हैं कि जाओ पहले अकाउंट खुलवाओ, कहते हैं भाई ये तो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है, पहले मैं अकाउंट खुलवाऊँ, एप्लीकेशन नहीं लगी तो अकाउंट तो खाली पड़ा रहेगा। सही। तो अब लोगों के लिए एक चार्म है इसमें कि जिनकी एप्लीकेशन लग गई है उनको तो डेफिनेट अकाउंट खुलवाना है, तो वो लोग ऐसे लोग हमारे पास आते हैं। जिनकी नहीं लगती एप्लीकेशन उनका अकाउंट, फिर उनका तो अकाउंट खुला ही नहीं ना, वो तो जरूरत ही नहीं है उनको खुलवाने की, उनके पैसे वापस। देखें, एक चीज और भी अच्छी हो गई कि ये नवाज शरीफ की 1994 की जो बहुत बड़ी नेकियां थी, बेतहाशा अकाउंट खुल गए थे जस्ट बिकॉज पीपल वांटेड टू फाइल एप्लीकेशंस और फिर हमारे नंबर्स लाखों में रहे। अभी हमने 4 महीने पहले देखा कि एससीसी के चेयरमैन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया कि 50,000 अकाउंट जो हैं वो उन्हें बंद करना पड़े जस्ट बिकॉज ऑफ अ फैटिव डायरेक्शन। सो अब जो चीज़ अच्छी हो गई है दिस बिकॉज ऑफ दिस ऑटोमेटेड प्रोसेस, वो ये है कि अगर किसी की एप्लीकेशन नहीं लग रही तो उसका UIN भी नहीं खुलेगा, आपके पास फेक UINs के एग्जेजरेटेड नंबर्स अब नहीं होंगे। दैट्स अ गुड थिंग। तो अब जिनके एप्लीकेशंस लग गई थी वो लोग सीडीसी को कांटेक्ट करते हैं, सीडीसी उनको फैसिलिटेट करता है। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा अच्छा एक, चूँकि हम ई सर्विसेज की और लोगों को सहूलत की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जिन लोगों की एप्लीकेशन लग गई है वो चाहते हैं अब अकाउंट खुलवाना, तो इसी ई सर्विसेज की वेबसाइट पे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भी मौजूद है। ओके तो वो यहाँ से ही अपना एक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भर के सीडीसी को सबमिट कर सकता है। क्या मैं ये भी क्या कर सकता हूँ कि EIPO में मुझे जाना है या नहीं जाना है, बट आई कैन स्टिल यूज ई सर्विसेज एंड ओपन माय अकाउंट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Okay. अच्छा, दूसरा ये कि ये फॉर्म अभी लोग भरते हैं, सीडीसी हाउस आते हैं और उसके बाद जो है फॉर्म में कोई ना कोई गलती होती है कहीं कोई, तो उनको शायद परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये जो ऑनलाइन फॉर्म है इसको भरने से उनको फ़ायदा ये कि उनकी जितनी गलतियां हैं ना वो सीडीसी उनको बताता रहेगा और जब तक फॉर्म एक हद तक सही नहीं हो गया होगा ना उस वक्त तक उनसे कहेगा नहीं कि आप आएँ। अच्छा, जब फॉर्म बिल्कुल सही हो जाता है तो फिर उनको मैसेज जाता है कि अब आपका फॉर्म बिल्कुल सही है, अब आप आके अपना फॉर्म जो है ना वो हमारे पास जमा करा दें। यानी फिर वो ये भी कर सकता है कि अब उसके जो वो शेयर्स बेचे, उसको ब्रोकर सिर्फ इसलिए चाहिए कि वो शेयर बेच सके बिकॉज ये सीडीसी का बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। लेकिन वो ये कर सकता है कि वो उसकी जो सेल प्रोसीड है वो सीडीसी को आए और वो सीडीसी से ले। बिल्कुल, हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स ने डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विसेज की फैसिलिटीज ली हुई हैं, वो जो ये चाहते हैं कि हम ब्रोकर के पास अपने ना शेयर्स रखें ना पैसे रखें, ब्रोकर्स के साथ सिर्फ ट्रेडिंग करें और हाँ उन ट्रेडिंग के अगेंस्ट जो कमीशन या जो चार्जेस हैं वो ब्रोकर को पे करते रहें। इसके लिए वो अपना ब्रोकर के पास जाते हैं, उनसे ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी लेते हैं, ब्रोकर उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी देता है और फिर वो अपने इस IAS अकाउंट को उस डायरेक्ट सेटलमेंट सर्विसेज के ज़रिए वह मैप कर लेते हैं। और जब भी बेचना होता है तो, और जितना बेचना होता है वो यहाँ से EMarking करते हैं और कैपिटल मार्केट में उसकी ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, जब ट्रेडिंग करते हैं तो इसकी सेटलमेंट होने उस ब्रोकर के पास नहीं जाती बल्कि डायरेक्टली सीडीसी के पास आती है और इसके पैसे देना नेशनल क्लियरिंग को या पैसे नेशनल क्लियरिंग से जो आते हैं वो भी क्लाइंट के कैश अकाउंट में डायरेक्ट आते हैं। अब इसका जो DVP है वो फिर CDC कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। तो वापस आते हैं उसी टॉपिक की तरफ कि जिन लोगों के शेयर्स नहीं लगते उनको फिर फाइनली पैसे किस तरीके से मिलते हैं, इसको जरा एलाबोरेट कर दें। देखें, जिस अकाउंट से उसने ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट की है तो ये पूरा मैकेनिज्म जो है वो वन लिंक के थ्रू जो है ना
CDC ने उसके साथ अरेंजमेंट किया हुआ है। तो CDC जो है वो वन लिंक को ही तमाम इंस्ट्रक्शन देता है, वन लिंक के पास ये तमाम डिटेल्स मौजूद होती हैं कि किन किन अकाउंट से पेमेंट्स आई थी। तो CDC जब उनको बताता है कि 1000 अकाउंट से पेमेंट आई थी और उसमें से ये 200 अकाउंट की पेमेंट वापस करनी है, तो वो वन लिंक उनको इजीली वापस उन्हीं बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जिस अकाउंट से पेमेंट निकली थी वापस उसी अकाउंट में इस पेमेंट को डाल दिया जाए। तो ये भी बहुत ही स्मूथ एक ट्रांजेक्शन होती है, आराम से घर बैठे उसको वो अपने ऑनलाइन बैंकिंग में जाके चेक कर लेता है कि मुझे मेरे पैसे मिल गए, उसको बैंक नहीं जाना पड़ता कि अब मेरे पैसे दो चेक लो। तो ये तमाम जी EIPO को इस्तेमाल करने का ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि उसके पैसे भी उसको अगर नहीं लगी तो पैसे भी उसको आराम से मिल जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में पैसे देना आसान है और निकलवाना जो है ना वो सबसे एक मुश्किल तरीका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सो हमने ये देखा कि आप ई सर्विसेज के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करते हैं, फिर ये जो EIPO फैसिलिटेशन की सहूलत मौजूद है उसके ज़रिए अगर आप नए अकाउंट होल्डर हैं, स्टॉक एक्सचेंज में आप कभी भी नहीं गए, तब भी आप इस फैसिलिटी को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं और आप घर बैठे बैठे बैंक से ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर अपने ब्रोकर को ऑथराइज़ कर सकते हैं कि वो भी आपके बिहाफ पर पैसे दे सके। बिल्कुल। और फिर अगर शेयर्स आपको नहीं लगें तो वो भी जो है 7वें-8वें दिन आपके अकाउंट में पैसे वापस आ सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ बहुत कतः कलामी की माजद साईं साहब, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि चूँकि हम लोगों की फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं, तो कुछ अर्से पहले एक और काम भी हुआ जिसमें लोगों को डिविडेंड वारंट्स जो थे वो डिजिटलाइज किए। ओके। अच्छा, ये भी CDC ने किए और ये भी इसी वेबसाइट पे मौजूद है। Okay. अब आगे का मरहला आता है, एक शख्स के शेयर्स लग गए हैं, उसके अकाउंट में पड़े हुए हैं और वो बेचना नहीं चाहता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया और उसका कोई डिविडेंड आया है। ओके। तो इसी वेबसाइट पे जाके वो अपने पूरे डिविडेंड की डिटेल, ज़कात कटी है, टैक्स कितना कटा है, पूरी डिटेल ले सकता है और ईयर एंड पे टैक्स की फाइलिंग के लिए भी यहाँ से पूरी डिटेल ले सकता है। उसके हर डिविडेंड की डिटेल भी यहीं पे मौजूद है। ओके, सो फारूक साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमने ये देखा कि जो लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी ट्रेडिंग में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग में नेशनल क्लियरिंग कंपनी और फिर सेटलमेंट में सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, कोई तैयार हो या ना हो, इस तरह की आजमाइशी वक्तों के लिए COVID-19 के लिए CDC ज़रूर तैयार है। हमने देखा कि EIPO के केस में कोई मैनुअल हैंडलिंग नहीं है, किसी सिचुएशन और किसी सूरत हाल में एक इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, CDC या क्लियरिंग कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। CDC की कोई हाफ अ डज़न और भी सर्विसेज हैं, इनके CEO बदी से मेरी तफसीली बातचीत हुई है, आइंदा हम एक दो मज़ीद सर्विसेज को कवर करेंगे और उसकी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर तक पहुँचाएँगे। फारूक साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ है एक वक्फे का, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत करेंगे OMC सेक्टर की मुमकिना गिरती हुई परफॉर्मेंस पर। नाजरीन, बात यह है कि गुज़िश्ता क्वार्टर में वो कुछ हुआ जो शायद पिछले 30-40-50 बरसों में नहीं हुआ, यानी ऑयल सेक्टर की, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड फ्लक्चुएशन। हमने पिछले 4-5 सालों में देखा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो एक ख़ास तरीके से बढ़ रही थी और उसमें रुझान सिर्फ और सिर्फ बढ़ने का था, इजाफे का था। हमने देखा कि 20-21 बैरल $1 से पेट्रोल जो है वो 120-140 बैरल $1 पर गया और इस गिरावट के क्वार्टर ने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे सिस्टम के फ्लॉस को एक्सपोज़ किया। यानी हमारे यहाँ ऑयल की, पेट्रोल की अवामुन्नास जो प्राइस पे करती है उसकी कैलकुलेशन का जो तरीक़ेकार है उसकी ख़राबियों को एक्सपोज़ किया। तरीक़ेकार कुछ यूँ है नाज़रीन,
कि पूरे महीने जो एवरेज पेट्रोल की प्राइस रहती है पर बैरल, उसके हिसाब से अवाम को अगले पूरे महीने पेट्रोल ख़रीदना होता है। सो यू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ओएमसी कंपनीज़ जो हैं वो 2 से 3 रुपए पर लीटर के मार्जिन के ऊपर काम करती हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब ट्रेंड इजाफे का हो तो फिर मार्जिन के अलावा 3-4 डॉलर अब बैरल का वैसे भी फ़ायदा हो जाता है। सो ये कहना नाजायज़ नहीं होगा, गलत नहीं होगा कि ओएमसी कंपनीज़ और ओग्रा ने चंद लोगों की 5 उंगलियां घी में रखी हुई थी। सो अब पहली दफ़ा ये हुआ कि प्राइसेस डिक्लाइन हुई और हिस्टोरिकली रिकॉर्ड डिक्लाइन हुई। इसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया। हमने देखा लोगों को महंगा पेट्रोल भी नहीं मिला, जिसकी वजह ये थी कि जब पेट्रोल एवरेज आउट होके सस्ता हुआ हुआ है तो महंगा पेट्रोल ख़रीद कर आवाम को कौन बेचेगा। इससे निज़ाम की जहाँ ख़राबियों का पता चला, वहाँ ये भी पता चला कि इस निज़ाम में कौन से लोग हैं जो दूसरों को और किन लोगों को नवाजते हैं। दूसरी चीज़ जो एक्सपोज हुई वो ये हुई कि हमने इसी क्वार्टर में देखा कि डॉलर ने 160 से लेके 170 के दरमियान की बहुत ज़बरदस्त रैली की, फ्लक्चुएशन की, और यूं भी हुआ कि एलसी किसी और भाव पे खोली गई और फिर एलसी के वक्त जो अदायगी हुई वो किसी और भाव पर हुई, तो इस वजह से एक्सचेंज रेट के लॉसेस भी हुए। सो अवाम के नसीब में मुश्किल थी, परेशानी थी, वो अवाम को भुगतना पड़ी। और इसका जो हल है वो हमने देखा, एक तो PMLN के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक तो उन्होंने सोल्यूशन कौमी असम्बली में भी पेश किया और एक दो टीवी टॉक शोज़ में भी पेश किया। उन्होंने कहा कि भाई ये पूरे महीने का अजाब आप रखें लोगों के सरों पर और पूरे महीने लोगों को पेट्रोल ही नहीं मिले क्योंकि OMC नुकसान नहीं करेंगी, लिहाजा ही सजेस्टेड कि भाई आप इसे 15 दिन की बेसिस पे करने लगे। दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने हेड्स ऑफ टू देम 4 अप्रैल की मीटिंग में ECC ने एड्रेस कर दी है कि अब एक्सचेंज के जो लॉसेस हैं, एक्सचेंज रेट के जो लॉसेस हैं वो अवाम को पास ऑन हो जाएंगे। सो अवाम को महंगा पेट्रोल मिल सकेगा। यानी बजट के नतीजे में देखिए, एक चीज़ तो ये हो गई कि 30 रुपये फिक्स्ड लेवी है जो कि पर लीटर आपको पास ऑन होगी, वो तो आपको देनी ही देनी है। और अब अगर जो एक्सचेंज लॉस है, डॉलर जो है वो अनफेवरेबल हो गया है, तो उसका भी जो डिफरेंस है वो अवाम को पास ऑन हो जाया करेगा। सो नाज़रीन, ये दो चीज़ें थी जो पॉइंट आउट करना ज़रूरी थी, और यही वजह है कि आपको अगले क्वार्टर में OMC की परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी ख़राब दिख सकती है। और गवर्नमेंट ने एक चीज़ को ठीक कर लिया है, दूसरी चीज़ को भी आई थिंक ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको PMLN कह रही है, इसको भी मेरिट के ऊपर गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए। वैसे बाय द वे मैं कहता चलूँ, ऑयल की प्राइसेस सारी दुनिया में डीरेगुलेटेड होती हैं। हिंदुस्तान में रोज़ सुबह के 6 बजे पेट्रोल की प्राइस दी जाती है। हमारे यहाँ बहरहाल लूटमार अशारिया निज़ाम चल रहा है, तो इसमें ज़रा मुमकिन है कि चीज़ें बहुत तेज़ी से ठीक हो सकें, लेकिन हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि मेरिट पर जो चीज़ ठीक है हुकूमत उसको ज़रूर कंसिडर करें। नाज़रीन, वक्त निकालने का, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।